हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में वाक्य स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर्ब में इसको ये, इसमें काम जारी रहता है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक ना। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, अदर वर्ड्स आते हैं। जिसको आप पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करोगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और वाज या वर रहेगा साथ में। अब यहाँ पर हम ये काम करेंगे, काम क्या करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है यानी इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करेंगे वर्ब बी लेकर के आएंगे और इसमें क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, इट मीन्स बीइंग का प्रयोग करेंगे। और जी ये वर्ब है इसको हम चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, ठीक ना। और प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट यहां आकर के ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सी वाज कॉलिंग यू, सी वाज कॉलिंग यू, यहां पर यू ऑब्जेक्ट है और सी सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा तो यू को सब्जेक्ट यू ही होता है, यू वर। अब आप लगाओगे क्या, बीइंग सब्जेक्ट इज ए वाज वर्ब में इसको ये बीइंग, उसके बाद कॉल का जो कॉलिंग है इसका थर्ड फॉर्म होगा कॉल्ड और बाई सी है तो हर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मनोज वाज बीटिंग हिज यंगर ब्रदर, मनोज वाज बीटिंग हिज यंगर ब्रदर, इसको हम इंटरचेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हिज यंगर ब्रदर, यहां पर हिज यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे ये वाज लगाएं कि वर लगाएं, दोस्तों यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो ब्रदर है, तो वाज या वर लगाना है वो ब्रदर के अकॉर्डिंग लगाना है कि मेन वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो ही इज यंगर नहीं है मेन वर्ड ब्रदर है, इसके अकॉर्डिंग वो लगेगा यहाँ पर वाज। और बीइंग लगाओ या बीट का थर्ड फॉर्म होगा बीटेन बाई मनोज, ठीक है ना। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। She was not cooking food for us. ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट फूड है, फॉर अस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट पहचानना सीखना होगा दोस्तों। तो फूड इधर लेकर के आएंगे तो फूड हो जाएगा और was यही आप लगाओगे नॉट, उसके बाद बींग लगाओगे कुक का हो जाएगा कुक्ड हो जाएगा और बाई सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। हमसे नोट कर ले। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, यहां पे वीडियो काम कर रहा है। चलिए यहां सेंटेंस और देख लेते हैं। मनोज वाज डूइंग नथिंग देयर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नथिंग है, ये सेंटेंस नेगेटिव में भी है और नथिंग खुद ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नथिंग आएगा इधर सब्जेक्ट बनेगा, हो जाएगा क्या, नथिंग वाज बीइंग
ठीक है ना, डू का हो जाएगा डन बाय मनोज और देयर जहां है इसको आप वहीं लिख दीजिए, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डन ठीक ना देयर बाय मनोज, ठीक है आप इसे नोट कर लें। चलिए देखते हैं आगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डैट क्वेश्चन, वाज ही सॉल्विंग हिज क्वेश्चंस, वाज ही सॉल्विंग हिज क्वेश्चंस, हिज क्वेश्चंस इधर आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही लगाएंगे। हिज क्वेश्चन यहाँ पे मेन जो मेन वर्ड है वो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मीन्स होता है ये क्या है प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वर वर हिज क्वेश्चन, अब बीइंग लगाएंगे सॉल्व का क्या बनेगा सॉल्व बाई ही का ऑब्जेक्ट बनेगा ही मार का क्वेश्चन, वर दे नॉट प्लेइंग मैच, वर दे नॉट प्लेइंग मैच, मैच ऑब्जेक्ट है तो यहां क्या बन लिखोगे आप वॉच वॉच फिर मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय दे का ऑब्जेक्ट बनेगा दे मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है अब इसे नोट कर लें। चलिए अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसका प्रारंभ हेल्प सॉरी क्वेश्चन वर्ड से होता है उसको देखते हैं। व्हाई वाज रमेश, व्हाई वाज रमेश राइटिंग अ लेटर, Why was Ramesh writing a letter? तो क्या करें जब इसको इसको हम passive voice का interchange करेंगे तो why ये question word है तो question word जहाँ तहाँ बना रहेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो a letter object है इधर लेकर के आएंगे उसको, यानी कि इसको बनाएंगे subject। इसके पहले जैसे आप देखिए why के बाद helping verb है ना, तो हम भी क्या करेंगे जब ये इसको बनाएंगे subject तो इसके why के तुरंत बाद हम लगाएंगे helping verb। अब देखिए और लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर वाई वाज आएगा, वाई वाज अ लेटर, उसके बाद लिखेंगे हम बीइंग रिटन बाय रमेश, विच पेन Which book was he reading? Which book was he reading? वो कौन सी किताब पढ़ रहा था? अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बुक है। बात क्या है? Which के साथ ये बुक आया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर। इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये साथ में ही रह जाएगा which book। अब क्या होगा ये जो ही है ये बनेगा ऑब्जेक्ट, अब ये बना हमारा सब्जेक्ट विच बुक वाज बीइंग है ना, और ये रीड का रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट बना करके
तो बाई हो जाएगा और ही है तो हिम मार्क अप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ मच टी वॉज ही टेकिंग, हाउ मच टी सेम ऐसी सेंटेंस है, यहां पर बीच के साथ बुक आया हुआ है और यहां पर हाउ मच के साथ टी आया हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे हम, सॉरी हाँ यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट हम, टी ऐसे बनेगा हाउ मच टी, ठीक ना। अब ये टी चाहे थोड़ा होते ज्यादा है, पर आप टी को अगर आप बर्तन में नहीं रखे हो, आप किसी पॉट में नहीं रखे रखे हो, तो पता नहीं कितना टी है, इतना कितना जितना भी टी है, ऐसे में क्या होगा हम इसको मानेंगे सिंगल में। और यही टी होता टू कप्स होता थ्री कप्स हो जाता, अब इसको मानते हैं हम प्लूरल फॉर्म में, ठीक ना। तो यहाँ पर टी की बात से चल रही है तो हम इसको रखेंगे सिंगुलर नंबर में। तो हाउ मच टी, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज बीइंग टेकिंग का थर्ड फॉर्म होगा टेकन बाय ही है तो हिम। ठीक दोस्तों ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा टॉपिक रहा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और अगर आप क्लास अब तक अटेंड नहीं कर पाए हैं या बहुत किसी दिक्कत में हैं या कोचिंग संस्थान में अगर ज्वाइन नहीं ले पा रहे हैं तो ये उनके इन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और ज़रूर उनको फ़ायदा होने वाला है। तो आप उनके फ़ायदे में भागीदार बने और वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।